ये जो है ये आपका गोल ट्रैकर है, ये गोल ट्रैकर सर अगस्त का गोल ट्रैकर ऑलरेडी रेडी हो चुका है, मतलब कंप्लीट मोड पे है। इसके बारे में थोड़ा बता दो, सबको बता दो इसके बारे में थोड़ा सर। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले मतलब हर डिपार्टमेंट है, यहाँ डिपार्टमेंट की डिटेल है सारी, जितने मेरे डिपार्टमेंट है उनकी डिटेल यहाँ पर मिली है। इनका जो काम है, जिसको ट्रैक करना है, जिसके ऊपर वर्किंग करनी है, वो एजेंडा यहाँ लिखे हुए हैं। मतलब कुछ भी टारगेट हो सकता है वो गोल ट्रैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग हो सकती है, जिसपे जिस डिपार्टमेंट को एक्चुअली उस चीज पे काम करना है। इसके अंदर मैंने साथ साथ सर मतलब परचेज, फिर मेरी दो फैक्ट्री है, एक हरिद्वार में और एक नोएडा में, तो उन दोनों का भी डिटेल पड़ा हुआ है। प्रोडक्शन नोएडा से भी है हरिद्वार, तो इनका सर वीकली जितने भी ऑर्डर प्लान है, जो भी वर्किंग प्लान है, हर चीज को वीकली डिसाइड किया हुआ है, और हर वीकली वर्किंग करके उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं हम कि वो ट्रैक कैसे हो रहे हैं, उसके एक्शन पॉइंट्स है, उस वीक के एक्शन पॉइंट्स क्या क्या लेने हैं उनको, और जो जो बंदा जिस एक्शन पॉइंट का डूअर होगा उसके लिए आगे ट्रैकिंग बनी हुई है, फिर ब्रेक थ्रू है कि आप मतलब बेस्ट पार्ट आपने क्या किया है, कैसे वो कंप्लीट हुआ, और नहीं हुआ तो वो क्यों काम नहीं हुआ है, वो डिटेल इसके अंदर पड़ी हुई है। फिर आपका रिमार्क्स उसके अंदर एक आ सकता है कि आपका रिमार्क क्या है, जिसकी वजह से वो आपका काम हुआ या नहीं हुआ है, या फिर कोई अपनी बेस्ट प्रैक्टिस से रिमार्क का कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी दे सकते हो। इशू ट्रैकर में सर वो क्या है कि आप मतलब डेट पड़ी हुई है कि जिस दिन आपका कोई भी डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट से लिंक करके अगर काम कर रहा है, तो उसके अंदर वो कंसीडर कर रहा है कि ये काम स्टेटस चार स्टेटस में है, कि क्लोज्ड है, इन प्रोग्रेस है, ओपन है, डिलेड है, और उसकी ऑब्जर्वेशन डिटेल पड़ी हुई है कि कौन सा डिपार्टमेंट है, वो क्या चाहता है, और उसको इनिशिएट किसने किया है, और वो प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन क्या है, कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम है क्या, और रूट कॉज एनालिसिस जिस पे हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम वर्सेस इफेक्ट, तो हम क्या है, हम इफेक्ट के पीछे भाग रहे होते हैं, हम प्रॉब्लम के पीछे नहीं भाग रहे होते, तो हम रूट कॉज एनालिसिस भी उसके अंदर चल रही है कि यार एक्चुअल प्रॉब्लम के पीछे जाओ, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इफेक्ट अपने आप चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शन, कि किस डेट में उसको करेक्टिव एक्शन लेना है और वर्किंग करनी है, और उसका डूअर कौन होगा, कौन सा रिस्पॉन्सिबल बंदा है, और उसकी प्रायोरिटीज क्या है, मतलब वो हाई प्रायोरिटीज पे है, लो प्रायोरिटीज पे, मीडियम प्रायोरिटीज पे है, फिर उसकी टारगेट डेट है, फिर कंप्लीशन डेट है, और उसका कुछ अपना रिमार्क है, तो वो रिमार्क यहाँ आ जाता है। तो ये सर जो शीट है, ये इस शीट के ब्रेक थ्रू ब्रेक डाउन रिमार्क से लिंक्ड है, कि जब वहां की वर्किंग यहाँ पे आएगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। एक चीज वो है सर, बाद में आपने एक सिस्टम ट्रैकर ऐड किया था, तो दैट सिस्टम ट्रैकर इज गोइंग गुड सर। आई एम ऑडिबल? या आई कैन हियर यू। ओके, तो बेसिकली सर ये सिस्टम ट्रैकर जो आपने दिया था, हमने इसके अंदर सारे जितने भी सिस्टम जो है वो सारे डाल दिए हैं, और इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है, जो उसका ऑनर है उस पर्टिकुलर शीट का, उसको कुछ इशू आता तो यहाँ डाल देता, और मेरी डीएम में उसको ऑलरेडी वर्किंग मिल लेते हैं, उसकी टेस्टिंग और उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो गोल ट्रैकर का तो फैबुलस चल रहा है, मतलब मैं अभी कल मेरी मीटिंग है ऑलरेडी टीम के साथ एक डेढ़ घंटे की, सितंबर डेटा के लिए भी, सितंबर डेटा भी रेडी है, कुछ जनरेशन इनके चेंज हो रहे हैं, उनको ऑलरेडी बोला हुआ है, क्योंकि बिल्कुल अभी हमने डेढ़ महीने पहले से स्टार्ट किया, तो हो सकता है कुछ जनरेशन ऐसे हो जो चेंज हो रहे हो मंथ ऑन मंथ, तो वो हमने चेंज करने के लिए बोला हुआ है। गोल ट्रैकर फैबुलस है, गोल ट्रैकर से लिंक आपकी डेली की 15 मिनट की मॉर्निंग मीटिंग होती है, तो इट्स गोइंग फैबुलस। तो प्रेम, अगर मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि आप ये कर रहे हो, तो डू यू थिंक कि जो एक सारे टाइम दिमाग में आपके खचड़ खचड़ मची रहती है, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, और मीटिंग में मीटिंग चल रही है, और ये जो सिस्टम अब आप फॉलो कर रहे हो डेली हडल का, वीकली मीटिंग का, विद गोल ट्रैकर और विद द प्लान, इससे क्या फर्क पड़ा आपको, क्या ओवरऑल इसे क्या दिखाई दिया, कि इससे क्या आपके लाइफ स्टाइल में, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी टीम की वर्किंग में क्या अंतर आया? सर बेस्ट पार्ट ये है कि पूरी कंप्लीट सिस्टम में एचओडी अलाइन है, उसको पता है कि यार मेरे को जो गूगल कीप के अंदर डेटा भरना है, जो मुझे डेली डिस्कशन करना है, वो गोल ट्रैकर से ही लिंक होना चाहिए, क्योंकि गोल ट्रैकर की एंड ऑफ द वीक डिस्कशन के पॉइंट बनेंगे, और गोल ट्रैकर के अंदर वो सारी चीजें डली हुई है जो कहीं ना कहीं कंपनी के मंथली और क्वार्टरली टारगेट को मीट आउट कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरे पास ऑफिस से कॉल सारी बंद हो गई है, ऑफिस से कॉल इवन तो पहले भी बंद हो गई थी, मतलब जो एक दो कॉल आती थी, अब केवल ये की कॉल आती है, ये बोलती है कि सर ये काम पेंडिंग है, इसमें आपकी जरूरत है, जरा एक बार देख लो, इस पर अप्रूवल कर दो, या फिर कोई वर्किंग कर दो, या फिर मैं उसके अलावा मैं कहीं मीटिंग करता हूँ ना वीक डेज में, तो मैं केवल अपनी एनडीओ टीम के साथ करता हूँ, वो भी सर आपके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, यार ये काम कैसे लगा, ये काम कैसे लगा, मुझे ऑपरेशन का मुझे जरूरत नहीं पड़ती आपसे। मैं फाइनेंस का पार्ट बन रहा हूँ, धीमे धीमे फाइनेंस के अंदर आपको डीप डाइव कर रहा हूँ, फाइनेंस की टीम के साथ मेरी वीकली मीटिंग होती है, अदरवाइज सर ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन प्लानिंग और परचेज इन्फॉर्मेशन में भी कोई मीटिंग नहीं, अभी केवल टीम मीटिंग ऐसा मेरे हाथ में जो वीक डेज में करता हूँ, एक फाइनेंस, एक सेल्स और एक एमडी, दैट्स इट।